यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिलासपुर जिले के दो महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए विधायक रामलाल ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर तमाम जो बातें हैं उनके द्वारा कही गई है। इस मौके पर रामलाल ठाकुर ने कहा है कि बिलासपुर जिले में एम्स की स्थापना के साथ कोठीपुरा में 50 साल पुराने पशु संवर्धन फार्म पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से ये अपील की है कि सरकार इस पशु संवर्धन केंद्र को उसके साथ ही स्थानांतरित करके इसके महत्व को बचाए। उन्होंने ये तक कहा कि इस पशु संवर्धन केंद्र से प्रदेश भर में नई नस्ल के पशु प्रदेश के किसानों को उपलब्ध हो पाते थे। साथ ही पशु केंद्र में रखी गई गायों के कारण पर्याप्त मात्रा से दूध भी उपलब्ध होता था, लेकिन एम्स की स्थापना के चलते ही इस पशु संवर्धन केंद्र पर तलवार लटकी हुई है। ठाकुर ने यह भी कहा कि बिलासपुर जिले में बेरी पुल का मुद्दा भी अभी तक लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार बिलासपुर जिले के भाखड़ा विस्थापितों की कुर्बानियों को देखते हुए इस पुल को लेकर सकारात्मक कदम जरूर उठाए। रामलाल ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह ये भी किया है कि बिलासपुर जिले के इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से सुलझाया जाए। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई राजनीतिक नहीं है, ये दो बिलासपुर के जो अहम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित करवाया है। पहला तो ये है कि एम्स जब खुलेगा तो जो कोठीपुरा का हमारा जो फार्म है, यहाँ पे जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, उसमें आज 47 गौएं हैं, जिसमें कोई 50 के आसपास दिहाड़ीदार और रेगुलर कर्मचारी जो है वो फर्स्ट क्लास के काम कर रहे हैं। इन दोनों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी फैसला करे।